सम क्रिएटिव आइडियाज में। सो दोस्तों, अब जो है गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों में हमें खाना अच्छा नहीं लगता, यानी कि अच्छा लगता है लेकिन चटपटे खाने का ज़्यादा दिल करता है। तो उसी के साथ में मैं आपके लिए लाई हूँ एक चटपटी और इंस्टेंट रेसिपी जिसका नाम है इंस्टेंट डोसा और विद इंस्टेंट चटनी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये मैंने एक बड़ा कप मैंने चावल ले लिया है, ये बासमती चावल मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और ये मैंने ली है उड़द की दाल। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये वाली दाल मैंने यूज़ की है और उसको मैंने वॉश कर लिया है और उसको हम भिगो के रख देंगे। और ये देखिए मैंने चावल को भी भिगो दिया है, यानी कि एक कप हमने चावल का लिया है तो दो कप हमने इसमें पानी के भर के डाले। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2-3 घंटे ऐसे ही भिगोए रहने देंगे। तो चलिए इसके बाद में देखते हैं। सो गाइस, ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए जो हमारे चावल है वो कितनी अच्छी तरीके से फूल गए हैं, यानी कि इन्होंने मतलब ये अच्छे से फूल गए हैं। और ये जो हमारी दाल भी है वो भी अच्छे से फूल गई है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक मिक्सी जार। ये देखिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए अब हम इसमें डालते हैं चावल। सो गाइस, ये देखिए हमने बैटर को पीस लिया है, ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं और बाकी की चीज़ें भी ऐसे ही पीस लेंगे और दाल को भी हम सेम प्रोसेस से पीस लेंगे और साथ में बाद में हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। सो गाइस, ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया है, यानी कि मैंने दाल और चावल को पीस लिया है और दोनों को कंबाइन करके ऐसे मिक्स कर दिया है। और ये देखिए इसमें एयर पॉकेट्स भी बन रही है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे से एयर पॉकेट्स बन रही है, इसका मतलब ये अच्छे से रेडी हुआ। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए बस हमने ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखते हुए इसको ऐसे मिक्स करना है। और इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि चावल ने पानी अब्सॉर्ब कर लिया था, तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक का। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा नमक डालें क्योंकि जब हम चटनी के साथ खाएंगे ना इसको तो उसमें भी नमक आएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। सो गाइस, ये देखिए मैंने नमक को मिक्स कर दिया है और ये देखिए ये बहुत ही स्मूथ बना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 4-5 घंटे के लिए 4-5 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे ताकि ये जो है वो अच्छे से फूल जाए और हमारा जो डोसा है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। सो गाइस, अब हम बना रहे हैं डोसा, तो उसके लिए ये देखिए सबसे पहले नॉनस्टिक पैन ले लिया है, ये डोसे का बैटर मैंने डाल दिया है और ये देखिए अब हम इसको एक ही साइड को रोटेट करेंगे, एक ही साइड को घुमाएंगे और इसको एकदम पतला कर लेंगे। और ये देखिए जब तक ये क्रिस्पी नहीं होता तब तक हम इसको टर्न नहीं करेंगे। तो गाइस, ये देखिए क्रिस्पी हो गया, अब हम इसको टर्न कर लेंगे। वाओ, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। सो गाइस, अब हम बना रहे हैं नारियल की चटनी, तो उसके लिए ये देखिए मैंने उसी पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया है, तो इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। ये देखिए हमने डाल दिया है और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमने जीरा डाल दिया है, वो सौते हो गया। इसी के साथ में अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग भी डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसी के साथ में 2 चम्मच अब हम इसमें चना डाल देंगे, चने की दाल डाल देंगे इसमें। और उसको सौते कर लेंगे हम। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको सिर्फ, ये देखिए ये सौते हो गया। इसी के साथ में अब हम इसमें लहसुन की कलियां भी डाल देंगे, मैं इसमें 2 कलियां लहसुन की डाल दूंगी। सो गाइस, ये देखिए लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्ची, हम इसमें 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। इसी के साथ में कड़ी पत्ता भी डाल दें थोड़ा सा। ये
देखिए ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देते हैं नारियल का बुरादा। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। मैं इसमें आधे कप के करीब इसमें नारियल का बुरादा डाल रही हूँ और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। हल्का सा ही सौते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। सो गाइस ये देखिए रेडी है, सौते हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। गाइस ये देखिए हमारी नारियल की चटनी बनके रेडी है। तो आइए अब हम तैयार करते हैं इसका तड़का। गाइस अब हम तैयार कर रहे हैं तड़का। तो ये देखिए मैंने एक गैस पे तड़का पैन रख लिया और ये देखिए गैस को थोड़ा लो ही रखा है क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें डालते हैं तो ये बहुत ज़ोर से चटकता है। तो ये देखिए मैंने एक चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गाइस ये देखिए तेल में बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी के साथ में अब हम डाल देते हैं इसमें एक चम्मच जीरा और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखें और उसको किसी चीज़ से हिला दें। ये देखिए जीरा मिक्स हो गया। इसी के साथ में अब हम डाल देते हैं इसमें राई। सो गाइस इसी के साथ में अब हम डाल देते हैं इसमें कड़ी पत्ता। गाइस अब हम बना रहे हैं टमाटो और अनियन की चटनी। तो ये देखिए मैंने दो चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। और इसको सौते कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो प्याज है वो अच्छे से सौते हो गए हैं। इसी के साथ में अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटोस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस ये देखिए हमारे जो टमाटोज और हमारे जो प्याज है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सौते भी हो गए। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च और इसी के साथ में हम इसमें अदरक भी डाल देंगे और लहसुन की कलियां भी साथ में ही डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। गाइस ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे नमक। मैं इसमें एक चौथाई चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। गाइस इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच चना दाल और उसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। गाइस ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को सौते कर लिया है। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच नींबू का रस। इससे क्या है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये देखिए हमारी सब चीजें पक गई हैं। तो आइए अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बना रहे हैं मूंगफली की चटनी। तो उसके लिए मैंने एक पैन में एक चम्मच तेल डाल के जो मूंगफली होती है उसको रोस्ट कर लिया। अगर आपके पास रोस्ट की हुई मूंगफली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो गई और क्रिस्पी भी हो गई है। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च। ये देखिए और इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने इसमें जिंजर डाल दिया है। अब हम इसमें गार्लिक भी डाल देंगे। मैं इसमें तीन कलियां गार्लिक की यूज़ करूँगी और उसको अच्छे से रोस्ट कर लें और वो भी लो फ्लेम पे। ये देखिए मैंने मूंगफली लाल मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन को और अदरक को साथ में मिक्स कर लिया है, सौते कर लिया है। वो एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने मिक्सी जार में इनको ट्रांसफ़र कर लिया। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच के करीब नारियल का बुरादा डाल दिया। इसी के साथ में अब हम इसमें जीरा डाल देंगे एक चौथाई चम्मच और नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस डोसा चटनी, तो उसके लिए ये देखिए मैंने दो चम्मच तेल डाल दिया पैन में। उसी पैन में अब हम डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज और उसको रोस्ट कर लेंगे। ये जो हमारे प्याज है वो अच्छे से रोस्ट हो गए। इसी के साथ में अब हम डाल देते हैं इसमें हरी मिर्ची। हम इसमें दो हरी मिर्ची डाल देंगे और तीन सूखी लाल मिर्च
और साथ में गार्लिक भी डाल देंगे। ये 3-4 कलियां लहसुन की है, मैंने उनको कट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, तो आइए अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नारियल का बुरादा। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दिया है। अगर आप नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। सो गाइस, ये देखिए हमारी चटनीज बन के रेडी है। और जो हमने तड़का तैयार किया था, ये तड़का मैंने सब चटनियों में डाल दिया, बहुत ही टेस्टी बनी है। सो गाइस, आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सब चटनीज कैसी लगी। तो आइए अब हम बनाते हैं डोसा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और जल्दी मिलते हैं ऐसी ही नई चटपटी वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।